सब्सक्राइब कीजिए टेक टू टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन इंस्टेंट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और टेक टू टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ये Asus का Zenfone Max Pro M1 का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये Flipkart से ऑर्डर किया है फ्लैश सेल में। यहाँ पे Flipkart का पैकेजिंग देख सकते हैं आप, अच्छा पैकेजिंग है। यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं 12999। मैंने ये 4GB रैम 64GB स्टोरेज का वेरिएंट मैंने लिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बॉक्स ओपन कर लेते हैं। मैंने कट कर दिया। तो ये हमारा फोन का बॉक्स है और ये एक इनवॉइस है। Flipkart के बॉक्स में और कुछ नहीं है, तो ये साइड में रखते हैं। और ये बबल रैप है, अच्छा पैकेजिंग किया है Flipkart ने। तो इसे ओपन कर लेते हैं। तो बबल रैप ये साइड में रखते हैं। तो ये देख सकते हैं Asus का Zenfone Max Pro M1। तो बॉक्स पे आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है 4G वॉल्टी और यहाँ पे एक लोगो है, यहाँ पे लव साइन का एक लोगो है, वी लव फोटो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 4GB 64GB स्टोरेज, LTE डुअल सिम, 6 इंच फुल HD डिस्प्ले। और यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है फोन का। तो बॉक्स में इस तरफ देखिए कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपोर्टेड बाय Flipkart इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सोल्ड इन इंडिया बाय Flipkart इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन्युफैक्चर मंथ एंड ईयर, सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर दिया हुआ है फोन का। तो चलिए दोस्तों, अभी फोन का बॉक्स ओपन कर लेते हैं। चलिए टैप साइड में रखते हैं। तो किसी भी साइड में रखते हैं। तो ये देख सकते हैं बॉक्स ओपन करते ही यहाँ पे लिखा हुआ है विद अ फोटो। यहाँ पे बॉक्स पे देखते हैं क्या क्या है, ये साइड में रखते हैं। यहाँ पे ओपन करते ही देखिए, पहले तो सिम इजेक्टर टूल्स है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए वारंटी कार्ड वगैरह है और यूजर मैनुअल है। तो ये सब चीज साइड में रखते हैं और अभी मेन कंटेंट पे आते हैं। ये देखिए हमारा फोन और नीचे क्या क्या है हम पहले देख लेते हैं। तो ये बॉक्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा चार्जर एडाप्टर है और यहाँ पे USB केबल, यहाँ पे माइक्रो USB दिया गया है। तो ये साइड में रखते हैं। ये एक हमारा Asus की तरफ से मैक्स बॉक्स दिया गया है, इस तरह से ये ओपन होता है दोस्तों। और फोन को यहाँ पे रखेंगे तो साउंड और ज़्यादा आते हैं। तो ये अभी तो अनबॉक्सिंग वीडियो है, अब कुछ दिन ये फ़ोन यूज़ करने के बाद आपको एक रिव्यू वीडियो लाने वाला हूँ मैं, तो उसमें सब डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, ये फ़ोन मैंने पर्सनली यूज़ करने के लिए बाय किया है, तो डे टू डे मतलब मंथली बेसिस पे अपडेट आपको देता रहूँगा कि कैसा फ़ोन परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब साइड में रखते हैं अभी। तो हमारा मेन कॉन्टेंट जो फ़ोन है तो उसमें आते हैं। इसे निकाल लेते हैं।
तो देख सकते हैं दोस्तों, फ़ोन बहुत ही अच्छा लुक है फ़ोन का। ये मैंने ब्लैक कलर का प्रिंट लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे IMEI नंबर वगैरह लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए इस तरफ लॉक लॉक का बटन है, लॉक अनलॉक बटन है, वॉल्यूम लॉकर, और इस तरह पे आपका सिम निकाल सकते हैं, सिम ट्रे और माइक्रो एसडी ट्रे यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे फिंगरप्रिंट है और यहाँ पे पीछे कैमरा है। तो ना देरी करते चलिए फोन को बूट कर लेते हैं। तो ये हमारा फोन चालू हो रहा है। यहाँ पे देखिए Asus का लोगो, यहाँ पे Zenfone का लोगो आ गया। नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हेडफोन जैक दिया गया है, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे स्पीकर ग्रिल है। तो ये जल्दी से मैं सेटिंग कर लेता हूँ, आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं सेटअप कंप्लीट हो गया है। ये फ़ोन चालू होते ही यहाँ पे देखिए कंप्लीटिंग सेटअप दिखा रहा है, इंस्टॉल कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, और यहाँ पे देखिए प्ले स्टोर से ऑटोमेटिक अपडेट चालू हो गया है। इंटरफेस तो बढ़िया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इस फ़ोन का स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 8.1 ओरियो के साथ आता है, बहुत अच्छी बात है। और ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ आता है दोस्तों, जो 1.8 गीगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड है। और जीपीयू यहाँ पे एड्रीनो 509 दिया गया है, और रैम यहाँ पे तीन वेरिएंट का रैम दिया गया है, एक 3GB, एक 4GB, एक 6GB। 6GB अभी मार्केट में आया नहीं है, तो जल्द ही लॉन्च होगा। और स्टोरेज यहाँ पे 3GB रैम के साथ 32GB स्टोरेज दिया गया है, और 4GB रैम के साथ 64GB, और 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज आता है। मैंने 4GB रैम और 64GB वाला वेरिएंट लिया है। यहाँ पे 64GB में से 10.4GB ऑलरेडी यूज्ड होता है, यानी कि लगभग 16% यूज्ड होता है, बाकी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ डेडिकेटेड माइक्रो एसडी स्लॉट भी दिया गया है, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये अप टू 2TB सपोर्ट करता है, और यहाँ पे 5.99 इंच का IPS LCD फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है, और इसका एस्पेक्ट रेशियो है 8:9। यहाँ पे दोस्तों डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जो 13+5 मेगापिक्सल है, और यहाँ पे फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। और यहाँ पे दोस्तों सेंसर्स, बहुत सारे सेंसर्स है। यहाँ पे पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कॉम्पास, जायरोस्कोप, एम्बिएंट लाइट सेंसर, ये सब दिया गया है। और इसका जो मेन हाईलाइट है, इस फॉर्म फैक्टर में, इस वेट में, यहाँ पे 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो यही था दोस्तों फोन का स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों ये सिर्फ एक अनबॉक्सिंग वीडियो था, इसका फुल रिव्यू या डिटेल्स वीडियो मैं कुछ दिन ये फ़ोन यूज़ करने के बाद आप सबके पास लाने वाला हूँ। तो दोस्तों उस वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रेस द लाइक बटन, कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड एक्साइटिंग वीडियोज़।